मायरा और उसके क्लासमेट्स बगीचे में उनके टीचर के साथ आए हैं। बच्चों, बगीचे से अलग अलग चीजें इकट्ठा करते हैं और उनका एक कोलाज बनाते हैं। हम कौन सी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं? हम जमीन पर गिरे फूल इकट्ठा कर सकते हैं। हम पेड़ों के पत्ते इकट्ठा कर सकते हैं। हम बगीचे में सूखी टहनियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। बढ़िया, ये ठीक रहेगा। लगता है हमने जमीन पर गिरे हुए सारे फूल इकट्ठा कर लिए हैं। चलो चलकर टीचर को दिखाते हैं। मुझे लगता है हमने बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए। अब चलो टीचर को दिखाते हैं। ये टहनियाँ कोलाज के लिए काफी होंगी। चलो इन्हें टीचर को दिखाते हैं। अब देखते हैं आप सब ने अपनी बास्केट में क्या क्या इकट्ठा किया है। नायरा और रोहन ने फूल इकट्ठा किए हैं। चलो देखते हैं। इसमें 5 फूल हैं। इसमें 3 फूल हैं। ये मोर हैं, ये लेस हैं। रिया और अर्जुन ने कुछ पत्ते इकट्ठे किए हैं। चलो इसे देखते हैं। इस गुच्छे में 7 पत्ते हैं और इसमें 4 पत्ते। ये ज्यादा है, ये कम है। अब देखते हैं ईशान और काव्या ने क्या इकट्ठा किया है। इसमें 9 टहनियां हैं और इसमें 5 टहनियां हैं। ये ज्यादा है, ये कम है। अब हम जानते हैं कि ज्यादा और कम क्या है। अब हम एक कोलाज बनाते हैं।